हरियाणा की माटी एक बार फिर से अपना रंग दिखाती नजर आई है। हरियाणा के झज्जर जिले के गांव सिलाना के विक्की चाहर ने उज्बेकिस्तान अज नियास के पहलवान सपा रनिया जॉब को 5-3 से शिकस्त दी है। विक्की चाहर ने अपने गांव के साथ साथ देश का परचम एक बार फिर से लहराया। जीत के बाद पहलवान का गांव में जोरदार स्वागत हुआ। वहीं उनके कोच सत्ते ने कहा कि ये हमारे लिए नहीं पूरे देश के लिए गर्व की बात है कि झज्जर के इस बेटे ने विदेश में अपने देश का परचम लहराया है। गांव वाले देश के लिए कर रहा हूँ जी। जितना भी आगे की क्या तैयारी है आपकी? आगे जी ओलंपिक मेडल जीतने की तैयारी है। जी ये बहुत अपने कुश्ती के लिए बहुत गलत होया है जी। वो कुश्ती गलत होया बहुत कुश्ती के लिए जी। इसमें हमारे पहलवान मेडल लेते थे सब, और ये मेडल रेसलिंग में सबसे ज्यादा आती रहती थी। ये बड़ी खुशी की बात है। हमारा नहीं पूरे देश का मान सम्मान बढ़ाया है और हमारे काम का मांड का मान सम्मान बढ़ाया है। जो कहते हैं गुरु की मेहनत के बाद ही कामयाब होते हैं। आपके हमने और भी देखे हैं बहुत सारे जो बच्चे हैं वो नेशनल और इंटरनेशनल लेवल तक गए हैं। तो आप देखते हैं राष्ट्रमंडल में कुश्ती को हटा दिया गया, क्या कहेंगे? मैं तो तेरे बता ही नहीं सकता मेरे कितनी खुशी है। आज मेरा शीशा एशिया चैंपियनशिप में मेडल लाया है, बड़ी खुशी की बात है। और जो ये कुश्ती को कॉमनवेल्थ से हटाया गया है, ये तो संसार का सबसे प्राचीन गेम था और देश का भी सबसे प्राचीन गेम था, और इसमें अपने देश के बहुत ज्यादा मेडल आते थे। और इसके लिए सरकार ने भी के कारण आ गई, इसकी पूरी पैरवी रखनी चाहिए और कुश्ती को दोबारा चालू करना चाहिए।